बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट पाकिस्तान डॉक्टर अमारा के साथ आपकी होस्ट अमारा रबानी। बहुत आसान सी बात है, कहते हैं सच को पर्दे हज़ार और झूठ को सहारे बेकार। ये जब होता है जब झूठ को बेशुमार लोग सहारे देने के लिए मौजूद होते हैं लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, ये भूल जाते हैं सहारे देने वाले। एक बहुत आसान सी बात है समझने के लिए, कहते हैं कि झूठ तो गुनाह हो गया लेकिन बाकी चीज़ें क्या हैं। झूठ शायद पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म को लोग कहते हैं मैन्युपुलेशन, जिसको चीटिंग कहा जाता है। तीसरी एक और कंडीशन है जो झूठ ही की शक्ल है, उसको कहते हैं डिप्लोमेसी, जब आर्टिकुलेशन कहा जाता है। ये जायज़ है, ये गुनाह नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये डिप्लोमेसी है, ये सफारतकारी है। ये एक ऐसा खेल है जिसको इल्म के ज़रिए सीखा जाता है लेकिन उस सीखने के बाद उसको इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, यहाँ पे आके बात ख़त्म होती है। सियाने कहते हैं कि बहुत सी अच्छी बातें हैं लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, बोली गई हैं, इम्प्लीमेंटेशन अभी रहती है। और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद हो जाता है वहीं से इल्म का अमल का आगाज़ होता है। जब बात आती है कि झूठ बोलना तो बहुत आसान है, इसके पैर नहीं है, सहारे बेशुमार चाहिए उसको खड़ा करने के लिए, और एक दिन उसको गिर जाना होता है। तो बात आती है कि आर्टिकुलेशन वो इल्म है जिसे डिप्लोमेसी के जरिए, सफारतकारी के जरिए मुल्कों की बका के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको पढ़ा बहुत सो ने, अमल नहीं किया। आज भी बहुत से लोग हमारी सफारतकारी में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी पॉलिसी मेकिंग में, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं लेकिन आलिम हैं अपने इल्म के, लेकिन उसको अमल नहीं कर रहे। इसका सबूत हम देखते हैं बहुत सी ऐसी हालिया एक्टिविटीज़ में भी और पीछे होने वाले ऐसे बहुत से कामों में भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी सिफारतकारी की अपने मुल्क की बका के लिए, और देखा गया कि सिर्फ नमूद की गई, नुमाइश की गई और बात ख़त्म हो गई। दौर हिना रबानी का हो या सरताज अजीज़ का हो, सिफारतकारी का जो काम होना चाहिए वो नहीं किया गया। सियाने कहते रहे और आज तक भी कहते रहे, हम उन सियानों की बात करें जिन्होंने वाकई ही सियानी बातें की हैं, ना कि सिर्फ गिनती में चंद अल्फाज कह के छोड़ दी हों। वो कह गए हैं कि शायद सिफारतकारी एक ऐसी चीज़ है जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बन सकती है किसी भी रियासत की। क्या बन रही है रियासत की बैकबोन? क्या वो हमारी रियासत की ऐसी सतूनों में से बन रही है जो मुल्क की बका के लिए काम कर सके? ये सवाल या निशान नहीं है, इनके जवाब मौजूद हैं, इनके जवाब मौजूद हैं। अगर देखना चाहते हैं तो बहुत से सबूत हमारे पास आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, अगर वो बहुत से जवाबात देखने हैं तो थोड़ा सा सिर्फ पीछे जाना पड़ेगा, दौर ले आते हैं, पिछला दौर जो गुजरा हिना रबानी का, वो क्या करती रही है सफारतकारी के तौर पर। सफारतकार के तौर पर वो हिंदुस्तान के बहुत से दौरे कर चुकी, पैसा यकीनन टैक्स से, आवाम की जेब से निकला। उसके बाद वो वहाँ पे क्या करके आईं, बहुत सी नुमाइश जो ऐसे ऐसे ब्रांड्स की थी जो पाकिस्तान की भी नहीं थे, ऐसे बहुत से पर्स, ऐसी बहुत सी ज्वेलरी, ऐसे बहुत से क्लोथ्स, कपड़े, ब्रांड्स जिसकी नुमाइश के बाद यकीनन उनकी, उन ब्रांड्स की बहुत वाहवाह हिंदुस्तान में की गई। और उन्होंने बताया कि एक खातून जो सफारतकार बन के आई पाकिस्तान से, बहुत ही बेहतरीन कपड़े पहनती थी, बहुत बेहतरीन ज्वेलरी और पर्स बहुत ही उम्दा रखती थी। ऐसी चीज़ें, ऐसी अप्रिसिएशन क्या एक सिफारतकार को मिलनी चाहिए? और जबकि वो ऐसे मुल्क के विजिट पे गया हुआ है जिस मुल्क से आपकी राइवलरी भी काफ़ी क्रॉनिक है। ये वो सवालात हैं जो अपने आप में ही जवाब भी रखते हैं। उनकी सिफारतकारी में इस सब के अलावा मुल्क को क्या मिला, ये भी आप देख लीजिए। और उसके बाद आज देख लीजिए आज की सिफारतकारी हमें क्या दे रही है। सरताज अजीज साहब सेक्रेटरी हैं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। ये सवाल वो है जिसका जवाब देने से आज तक गवर्नमेंट कासिर है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपने उस बैकबोन को क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है जिससे मुल्क, रियासत की बका हो सकती है। कहते हैं डिफेंस जो है वो भी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो रीढ़ की हड्डी है तो यकीन मानिए सिफारतकारी, फॉरेन मिनिस्ट्री ब्रेन ऑफ द स्टेट होता है, रियासत का दिमाग और जहन होता है, जहाँ से पूरी बॉडी, पूरी मशीनरी कंट्रोल होती है। अब पूरी मशीनरी कंट्रोल करने के लिए आपने उस मशीनरी में महज एक 80 साल के ऐसे बुजुर्ग को बिठाया है जो अपनी बुजुर्गी का तो शायद फायदा उठा रहे हैं लेकिन जो इल्म उनके पास है, यकीनन उनके पास इल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इल्म को अमल क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब ढूंढना है तो आ जाइए उन हकाइक के ऊपर, जो हकाइक हमारे पास मौजूद हैं। जबानी कलामी खर्चे से काम नहीं चलेगा, क्लिप्स की सूरत में, सबूत की सूरत में आपके सामने वो चीज़ें पेश करके आपको बताया जाएगा कि वो अमल क्यों नहीं हो रहा, या हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, किसको कौन कैसे सर्व कर रहा है। हमारा मिनिस्टर, हमारे लोगों के बीच में रहने वाला, हमारे वोट लेके मेंबर बनने वाला
किसको सर्व कर रहा है, ये सब चीज़ें एविडेंस के साथ लोगों के सामने आनी चाहिए। शुरुआत करते हैं कुछ उन चीज़ों से जो पिछले दौर में हम देख चुके हैं, हिना रब्बानी मोहतरमा के वो दौरे जिन दौरों के बाद यकीनन बहुत से पाकिस्तान की आवाम को दौरे पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि उनकी जेब से टैक्सों से वो बेपना पैसा उन दौरों पर खर्च किया गया था, जिसके बाद महज उन ब्रांड्स की नमूदो नुमाइश हुई जो पाकिस्तान के भी नहीं थे। उन दौरों की कुछ तफसील है जो क्लिप्स की सूरत में आप देखेंगे तो यकीनन आप जान पाएंगे कि क्या हुआ था। जी प्लीज। पाकिस्तान की नौउम्र वजीर खारिजा हिना रब्बानी खर भारत में कोई और कामयाबी हासिल करें न करें, उन्होंने भारतीय मीडिया के दिल में जगह जरूर पैदा कर ली है। भारत में उनकी जहानत के बजाय उनके हुस्न जमाल और फैशन सेंस का तज़किरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी जमाई है कि पाकिस्तान अपना बेहतरीन चेहरा सामने ले आया, जबकि मुंबई मिरर की सुर्खी थी पाकिस्तानी बम भारत पर आ गिरा। ऐसी सुर्खियों पर हुकूक निस्वा के अलम्बरदार जरूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया ने एक खातून की सिर्फ आउटलुक देखी, उनकी सलाहियतों पर बिल्कुल गौर नहीं किया। हिना रब्बानी खर जब नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी तो मौसम की मुनासिबत से नीले रंग के लिबास में थीं। उन्होंने अपनी चश्म पोशी के लिए रॉबर्टो कवाली ब्रांड के सन ग्लासेस लगा रखे थे, जबकि सफ़ेद मोतियों का हार उनके गले की जीनत था। उनके हाथों में जो हर्मीज बर्कन बैग था उसकी मालियत भी सुन लीजिए, उसकी कम से कम कीमत तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी रुपए है। भारतीय मीडिया ने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक इसकी कीमत 34 लाख पाकिस्तानी रुपए है। सनग्लासेस भी कम से कम हजारों के तो होंगे और मोतियों का हार लाखों का। तकरीबन 50 लाख रुपए की अशिया से सजी सजाई हिना रब्बानी खर ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने असासों की मालियत सिर्फ 1,70,00,000 रुपए बताई है, और ये भी बताया है कि कार तो उनके पास है ही नहीं, हालांकि कार तो उनके एक पर्स की मार है। उनके मुकाबले में भारतीय वजीर खारजा एस एम कृष्णा हैं, उन्हें भी अपने आला मयार के सूट पर बड़ा नाज था, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक हिना के सामने उनका चिराग नहीं जल सका। हिना रब्बानी खर को भारतीय मीडिया से पजीराई तो मिल गई, लेकिन देखना यह है कि वो वजारत खारजा के मैदान में भी कोई कामयाबी समेट पाती हैं या नहीं। जी, ये था हिना रब्बानी मोहतरमा का वो विज़िट, वो दौरा जिसमें आपने देख लिया कि उन्होंने किस चीज़ की नमूद और किस चीज़ की नुमाइश की है, करने वो क्या गई थी और करके वो क्या गई आई हैं, या कह लें कि शायद वो यही कुछ करने गई थी, ये छोड़ते हैं आवाम के ऊपर। लेकिन अब आ जाए आज के उन दौरों के ऊपर जो हालिया मिनिस्ट्री फॉरन मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत से दौरे किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन साथ साथ कुछ सवाल जो जानना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पेश आई थी आयशा सदीका मोहतरमा के साथ तहमीना मोहतरमा के जाने की। तहमीना है सरताज अजीज साहब की साहबजादी। इनके एक विजिट के बारे में थोड़ी तफसील आपसे शेयर करना चाहेंगे। जो विजिट उन्होंने 12 से 18 अक्टूबर के बीच में किया हेरात काबुल में, और ये एक कॉन्फ्रेंस के लिए महज गई थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी गई, कोई बात नहीं की गई जिसके लिए वो गई थी, लेकिन जो काम करने गई थी वो शायद किया गया। 3 घंटे की मुलाकात वहाँ के नेशनल इंडियन एडवाइज़र से, इंडियन सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उसके बाद रॉ के कौंसलेट से कुलदीप नैयर से मुलाकात, ये तमाम ज़रूर किया गया। ये तमाम हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की साहबजादी करती हैं और उनके साथ जाती हैं मशहूर ज़माना आयशा सदीका मोहतरमा। आयशा सदीका कौन है? ये वो खातून हैं जिसने पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जो यकीनन शायद दुश्मन भी 100 बार सोचता है लिखने के लिए, क्योंकि उसको अपने ताल्लुकात की खराबी का खदशा होता है। लेकिन ये चौंका हमारे मुल्क से ही है इसलिए इनको कोई खदशा नहीं है। इनको ये भी शक नहीं गुजरा कि इनको कोई कुछ कह भी सकता है, यानी कि जिस मुल्क में बैठी हैं उसकी जड़ें काट रही हैं और उस मुल्क में महफूज भी हैं। ये शान है शायद इस मुल्क की कि उन लोगों को भी हिफाजत में रखता है जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करना चाहेंगे इसके हवाले से ताकि हकीकत कुछ और आया हो सके। जी प्लीज।
जी मेरे शाख साने को लगी नजर किसकी, मेरे पत्तों को लगी झड़ी बेमौसमी।